मधुमक्खियां एनुमरेटर्स की गिनती में आती हैं, जो ना सिर्फ खेती बल्कि नेचर के बैलेंस को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मधुमक्खियां और बाकी एनुमरेटर्स के पालन पर जोर देने और इनके महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन मधुमक्खी पालन के अनुसंधान और विकास, इस क्षेत्र की चुनौतियों, साझेदारियों और समाधान पर चर्चा होती है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और अन्य कारणों से नेचर को लगातार पहुंचने वाले नुकसान के चलते मधुमक्खियों का जीवन खतरे में बना हुआ है, इसलिए भी इस दिन को मनाने का विशेष महत्व है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, लेकिन मधुमक्खियां हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम जो भी फल, सब्जियां या अनाज खाते हैं, उन्हें उगाने के लिए एनुमरेटर्स की प्रक्रिया खास रोल प्ले करती हैं। मधुमक्खियां पेड़ पौधों के परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने में मदद करती हैं। जब मधुमक्खी किसी एक फूल पर बैठती है तो उसके पैरों और पंखों में परागकण चिपक जाते हैं, और जब ये उड़कर किसी दूसरे पौधे पर बैठती हैं, तब ये परागकण उस पौधे में चले जाते हैं और इससे फल और बीजों की उत्पत्ति होती है। माननीय गतिविधियों के कारण परागण वाले कीट पतंगों का जीवन खतरे में है। उनके महत्व और सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जंसा के जन्म के दिन उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व की 70% खेती इन एनुमरेटर्स पर निर्भर करती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 100 में से 70 खाद्य पदार्थ में मधुमक्खियों का इन्वॉल्वमेंट है। मधुमक्खी एक ऐसी कीट है जो किसी भी तरह की रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस नहीं छोड़ती है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि मधुमक्खी के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति बीमार हो जाए। भले ही आज आपको मधुमक्खी का महत्व समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे जीवन में मधुमक्खी एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। हर एक चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी है, उसी प्रकार मधुमक्खी भी है, हम और आप से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें मधुमक्खी के महत्व को समझना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।